गौरव वल्लभ, जी चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी उनका साबित होना बाकी है, क्या बाकी नामों से कांग्रेस पार्टी ने कोई सीख नहीं ली? देखिए मैं या कांग्रेस खुश रहती है इस बात से कि चलो कोई बात नहीं, कहीं भी रहेगा है तो अपना ही आदमी, वैचारिक तौर पर दूसरे के ही वोट काटेगा। रोहित जी, दो बातें प्रोग्राम में घूम फिर के आ रही है। पहली बात कि कांग्रेस युवा लोगों को प्रोत्साहित नहीं करती। अरे नहीं करती तो मेरे जैसा साधारण आदमी आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के इतने महत्वपूर्ण शो में शहनवाज हुसैन के जवाबों का, सवालों का जवाब कैसे दे पाता? सचिन पायलट जी हो, मिलिंद देवड़ा जी हो, देश के और युवा नेता हो, मैंने उदाहरण दिया कि 35 से कम के 18 लोगों को कैबिनेट में जगह दी। सारे सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने दी ना, सोनिया जी से बात भी कर रहे हैं वो सारे। सोनिया गांधी जी जिन युवाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो सारे सोनिया जी से बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ ऐसा मत करो। देखिए कितनी बड़ी बात बोल गए गौरव वल्लभ। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? दूसरा सवाल कि 2009 में कैबिनेट में दूसरा सवाल युवाओं को बार-बार राहुल गांधी ने दी। रोहित जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरा सवाल बार-बार राहुल गांधी ने दी जगह। प्लीज प्लीज प्लीज, इसका मतलब कि राहुल गांधी सवाल जो बार-बार 2009 में ना, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। जो दूसरा सवाल बार-बार आ रहा है, खुद बोल गए, क्या क्या सचिन पायलट जी को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं भरे मन से और दुखी मन से बात कह रहा हूँ कि उनको पद मुक्त करना पड़ा। दिख रहा सर, दुख तो दिख रहा था, रणदीप जी की बातों में भी दिख रहा था, अशोक जी की और आपकी भी। बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए सर, बीजेपी के हाथों में कठपुतली बन गए। अभी तक कांग्रेस में है, समस्या ये हुई सर, आप लोग तो विक्टिम के साथ खड़े होने वाले लोग बताते हैं अपने आप को, तो अगर इतना बड़ा विक्टिम है सचिन पायलट तो आपको साथ खड़े होना चाहिए था कि उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था? तो अगर वो कॉन्स्पिरेसी के शिकार है तो, अरे रोहित जी कहाँ, हम तो उनका परसों से कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में, इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अशोक गहलोत ने आप लोगों के सहारे बीजेपी के कंधे पे रख के सचिन पायलट का शिकार किया और इसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी? ऐसा कुछ नहीं है रोहित जी, मैं आपको फिर कहता हूँ, सचिन पायलट जी हमारे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नेता है। अभी थोड़ी देर पहले थे, अब आप ये कह रहे हैं, अभी हां कर रहे हैं, आज गिनती क्यों भूल रहे हैं? अभी आधे घंटे पहले थे, अब आपने हां कर दिया, करना पड़ा भारी, अभी कह रहे थे, अभी कह रहे हैं, आप किधर हैं गौरव जी? ओके, सचिन जी के साथ हैं कि अशोक गहलोत जी के साथ हैं? आप अपनी कांग्रेस के साथ मेरे पे क्यों निकाल रहे? अच्छा सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक एक कमेंट शानवाज से लेना, 30 सेकंड दे दीजिए बस। आपको टिकट नहीं मिला, आप नाराज हो? अच्छा गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, मैं समझ सकता हूं, इतिहास में नाम दर्ज है मेरा, गौरव जी एक एक करके, एक एक करके, ऐसे मेरे मेरे पर जिक्र मत किया, मैं जवाब दे दूं। बोले शानवाज जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज गौरव जी को क्या हुआ है, आपने तो इतनी तारीफ की रोहित जी की, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, ईमानदार हैं, ये कभी कहते हैं सचिन पायलट थे, कभी कहते हैं फिर कहते हैं हम वो कांग्रेसियों को, अरे सुनिए जनाब, जनाब सुनिए, अरे रोहित जी आज नियंत्रित कीजिए ना आप थोड़ा, रोहित जी आज तो नियंत्रित कीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ झूठ पे, अरे भाई फिर अब मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तो शुरुआत है, कोई युवा नेता राहुल गांधी जी के अलावा, गौरव जी आपके अलावा कोई कांग्रेस में युवा नेता बचेगा या नहीं बचेगा, या पूरा घर खाली होने वाला है, क्योंकि हर युवा नेता को लगता है कांग्रेस के पास न नेता है न नीति है न आपकी नीयत है, आप इस देश में जो कांग्रेस के अंदर जो गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, युवा नेता बोले चले, इनको चुप कराइए ना जनाब, गौरव प्लीज, गौरव रोहित जी लगातार बोले चले जा रहे हैं, इससे क्या ना आशुतोष जी भी परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, आप सोचिए दर्शकों की क्या हालत होगी, आशुतोष जी तो कान में ईयरफोन लगाए तब नहीं समझ पा रहे, मुझे बाकी लोगों का क्या होगा साहब, मैं 15 सेकंड लीजिए, फिर आशुतोष को लेना, मुझे बोलिए क्या हो गया गौरव जी आपको, बोलिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता पर, कांग्रेस के नीति पर कोई विश्वास कांग्रेस जन को नहीं है, कांग्रेस के अंदर एक लीडरलेस है, वो सिर्फ 3 लोग हैं, उसके अलावा उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं।